पिछले दिनों निगम भिलाई के कैंप क्षेत्र में डायरिया ने जमकर कहर बरपाया था। सैकड़ों लोग डायरिया की चपेट में आए तो वहीं दो लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने 9 सदस्यों की जांच टीम गठित की थी, जिसे 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। जांच टीम ने रिपोर्ट तैयार तो कर ली है, परंतु अभी तक सौंपी नहीं गई है। भिलाई के बैकुंठ धाम और विजयनगर में पिछले दिनों डायरिया ने तेजी से अपने पैर पसारे और आम जनमानस इसके शिकार होते गए। डायरिया से प्रभावित होने का मूल कारण पीने का गंदा पानी था। नालियों से गुजरने वाली पाइपलाइन और उसमें लीकेज की वजह से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। निगम के जल कार्य के अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते तो ऐसी नौबत नहीं आती। लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के डायरिया से पीड़ित होने के बाद राजनीति भी जमकर हुई। महापौर नीरज पाल ने 10 सदस्यीय जांच टीम बना दी, लेकिन डायरिया फैलने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। महापौर नीरज पाल का कहना है कि अगले महापौर परिषद की बैठक में आयुक्त को प्रतिवेदन सौंप दिया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहां पर जब गंदा पानी आया उसके बाद हमने 24 घंटे में कंट्रोल कर लिया। नलों में आने वाले पीने के पानी की सप्लाई को रोककर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की गई, लेकिन एसी कमरों में बैठकर नीति और राजनीति बनाने वाले नेता और अधिकारियों ने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। 24 तारीख को महापौर परिषद की बैठक में, पिछले महीने की 24 तारीख को महापौर परिषद की जो बैठक हुई थी, उसमें जितने भी बिंदु इसमें आए थे, जो पिछले महीने जो प्रॉब्लम हुई थी 3 वार्डों में, वार्ड नंबर 29, 30 और 32 में कुछ कैजुअल्टी भी हुई उसमें, उसको लेके तत्कालीन समय में जो दिखा सामने उसको लेके आयुक्त महोदय ने एक अधिकारी पे कुछ कार्रवाई भी की और बाकी के लिए एक जांच समिति बनी थी, जो 24 तारीख को पिछले महापौर परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें 10 दिनों में उनको समिति को अपना प्रतिवेदन बनाकर आयुक्त महोदय को देना था, जिसकी कल समय सीमा थी। आयुक्त छुट्टी पे हैं, हो सकता है वो प्रतिवेदन आज वो लोग दे दें। आयुक्त जैसे ही आएंगे अगली महापौर परिषद की बैठक में, उस जिन बिंदुओं पर जाँच का जो केंद्रित थी वो, उसके रिजल्ट आने के बाद आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन आप विश्वास रखिए कि अगर उसमें कोई जिम्मेदार होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। देखना होगा कि 10 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट में क्या लिखा है और इसका हल कैसे और कब तक निकल पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।